कुछ बात कोटा रेलवे स्टेशन धमाके की करेंगे, जिसमें 26 अफराद जांबहक हो चुके हैं जबकि 40 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। खुदकुश हमला ट्रेन की रवानगी के वक्त प्लेटफॉर्म पर हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुकली ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म पर बांधा हुआ था। हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। खुदकुश हमले का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। बुस्तिल दुश्मन का बलूचिस्तान के अमन पर वार, रेलवे स्टेशन को हदफ बना लिया। प्लेटफॉर्म पर खड़ी रेलगाड़ी के करीब खुदकश धमाका, कई अफराद जान से गए। कमिश्नर कोयटा ने तस्दीक करते हुए कहा है कि शहरियों को निशाना बनाया गया। ये जो अटैक था ये प्राइमरीली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे भी था और साथ ही साथ सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। पुलिस के मुताबिक धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी के वक्त रेलवे स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म में हुआ। धमाके के वक्त मुसाफिर जाफर एक्सप्रेस से पेशावर जाने की तैयारी में मसरूफ थे। रेलवे हुक्काम का कहना है कि धमाका रेलवे स्टेशन के अंदर टिकट घर के करीब हुआ। इस दौरान ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी। एसएसपी ऑपरेशंस के मुताबिक हमला सुबह 8:30 बजे हुआ। खुदकश हमले के वक्त रेलवे स्टेशन पर 200 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। यहाँ पे तकरीबन 150 से 200 की तादाद थी जो यहाँ पे जमा थे और यहाँ पे धमाका हुआ। उधर बम डिस्पोजल स्क्वाड ने हमले के मकाम से अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जहां जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद दी जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।